हाय गाइस, दिस इज संजय देसवाल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 आर्म रेसलर्स ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो दोस्तों, ये लिस्ट जो मैंने रेडी करी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। और ये मैंने किस बेस पर तैयार करी है, मैं दो तीन चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ जो इन प्लेयर्स की लास्ट 2 ईयर्स में परफॉर्मेंस है। दो तीन साल से प्रोपंजा लीग में या नेशनल्स में जो पाफी के प्लेयर्स हैं या फिर जो प्रोपंजा से एसोसिएटेड प्लेयर्स हैं, ये लिस्ट सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स की है। तो आप कमेंट करने से पहले ज़रूर सोचिएगा। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं क्योंकि तो सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। ये लिस्ट जो है 80 kg प्लस प्लेयर्स के लिए, 80 kg एंड प्लस। तो लाइट वेट प्लेयर्स की लिस्ट मैं अलग से बनाऊँगा। टॉप 10 जो 70-60 kg के प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट मैं अलग से बनाऊँगा। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट मैंने रेडी करी है। तो नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। तो नंबर 1 पे अनडाउटेडली मजाहिर साइडू फ्रॉम दुबई। इंडियन ओरिजिन के प्लेयर हैं, दुबई में रहते हैं और दुबई चैम्पियन भी हैं। और इंडिया में जो इनकी परफॉर्मेंस रही है अभी तक, प्रोपंजा लीग में ये आए थे फर्स्ट टाइम, तो जो रैंकिंग टूर्नामेंट था ग्वालियर में, तो वहाँ पे इनकी फर्स्ट प्लेस थी। अनडाउटेडली अभी तक किसी से नहीं आ रहे हैं इंडिया में, तो नो डाउट फर्स्ट पोजिशन इनको ही मिलनी चाहिए। दोस्तों, सेकंड पोजीशन के लिए सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा ये सोचने के लिए कि सेकंड पोजीशन किसको दी जाए, क्योंकि मजाहिर का लेवल और सभी प्लेयर से कुछ अलग ही है। तो सेकंड पोजीशन के लिए कौन कंटेंडर होगा, तो उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा सोचने के लिए। तो सेकंड पोजीशन के लिए दो प्लेयर्स हैं, क्लैश हो रहे हैं यहाँ पर, जो कि हैं काइल कमिंग्स एंड दारा सिंह हांडा। तो काइल जो है 90 kg के प्लेयर्स हैं, 90 kg में लीग में खेले थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे, कोई मैच नहीं आ रहे, तो सारे मैचेस विन किए हैं लीग में, नेशनल में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एंड दूसरी तरफ जो दारा सिंह हांडा है, वन ऑफ द बेस्ट हुकर इंडिया के, सबसे ज़्यादा स्टेमिना होगा, ये भी लीग में कोई भी मैच नहीं आ रहे, शायद एक मैच आ रहे थे वो भी सबको पता है, और ये इनका भी लीग में बेस्ट परफॉर्मेंस थी। दारा सिंह हांडा 100 kg मेरी टीम में थे, रोहतक राउडीज, सारे टफ मैचेस इन्होंने जीते। दोस्तों, थर्ड पोजीशन के लिए, थर्ड पोजीशन में मैं रखना चाहूँगा, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, असगर अली। 80 kg के प्लेयर हैं और काफ़ी टफ अपोनेंट हैं, सभी को हराया है इन्होंने लीग में, जो रैंकिंग था उसमें भी फर्स्ट पोजीशन थी और जो सीजन 1 हुआ उसमें भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो थर्ड पोजीशन पे असगर अली। दोस्तों, फोर्थ पोजीशन, यहाँ भी दो प्लेयर्स का क्लैश है, मैं किसी एक को ये पोजीशन नहीं दे सकता था। तो फोर्थ के लिए मैंने रखा है सिद्धांत कतूरिया एंड तौहीद शेख। दोनों ही 90 kg के प्लेयर हैं, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सिद्धांत के बारे में बता देता हूँ, एशियन में इनका सिल्वर मेडल था, नेशनल में सिल्वर था लास्ट ईयर और लास्ट ईयर गोल्ड था। उसके बाद लीग में इनका काफ़ी करज विर्क के साथ काफ़ी अच्छा मैच गया था। और तौहीद जो हैं दूसरी साइड, तौहीद भी अभी तक कोई मैच नहीं आ रहे, इनकी नेशनल में भी गोल्ड मेडल था, अदर जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं सब में COC लेके जाते हैं। इनको फोर्थ पे मैंने दोनों को एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि बॉम्बे में जो इनका सुपर मैच हुआ था शेरू क्लासिक में, वहाँ पे सुपर मैच सिद्धांत जीता था, बट जो वेट कैटेगरी वाला टूर्नामेंट था उसमें तौहीद ने सिद्धांत को हराया था। तो दोनों चीज़ें, सभी को डाउट है कौन ऊपर है कौन नीचे, तो दोनों को मैंने एक जगह रखा है। दोस्तों, फिफ्थ पोजीशन पे मैं रखना चाहूँगा पार्थ सोनी। बॉम्बे से हैं पार्थ सोनी, 100+ में खेलते हैं, काफ़ी इंडिया में शायद एक दो बार COC भी रह चुके हैं पहले, और लास्ट ईयर नेशंस में गोल्ड मेडल था। उसके बाद लीग में सिर्फ ये एक ही मैच आ रहे थे, उसके बाद शायद नहीं आ रहे कोई भी। काफ़ी काफ़ी पावरफुल हुकर है,
उसके बाद सिक्स पोजीशन पे दोस्तों, सिक्स के लिए मैं रखना चाहूँगा आभास राणा फ्रॉम दिल्ली। सो आभास जो हैं अभी तक लीग नहीं खेले हैं, बट वर्ल्ड चैंपियन है सब जूनियर कैटेगरी में, और नेशनल में गोल्ड मेडल था लास्ट ईयर, दिल्ली में COC जीता है अभी, और अदर टूर्नामेंट्स में लगभग 4 या 5 टूर्नामेंट्स में चैंपियन ऑफ चैंपियन रह चुके हैं, और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे उनको इन्होंने हराया है। ये जूनियर कैटेगरी में होते हुए सीनियर्स को हरा रहे हैं अभी से, तो इसलिए मैंने इनको ये पोजीशन दी है, बहुत स्ट्रॉन्ग हुकर है। उसके बाद है सेवंथ पोजीशन पे दोस्तों, सेवंथ पोजीशन के लिए मेरी लिस्ट में युवराज वर्मा, ये भी दिल्ली से ही हैं। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में लगभग 1-1.5 साल में ही इन्होंने इंडिया के टॉप प्लेयर्स को हराया है, लीग में एक भी मैच नहीं हारे, सभी मैचेस में चैलेंजर राउंड लेके इन्होंने सबको डिफीट किया, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं दिल्ली में, अभी सीनियर के COC इन्होंने जीता है रिसेंट, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और काफ़ी कम टाइम में ग्रो किया है। दोस्तों 8th पोजीशन पे हैं 80 kg के ही प्लेयर हैं, सचिन गोयल फ्रॉम ग्वालियर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, और रिसेंट सिर्फ लीग में शायद एक ही मैच आ रहे थे, उससे पहले भी जो रैंकिंग टूर्नामेंट था उसमें 2nd प्लेस थी, और भी इन्होंने शेरू क्लासिक चैंपियन ऑफ चैंपियन जीता है, और भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, MP में भी जो स्टेट होता है चैंपियन ऑफ चैंपियन यही रहते हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। दोस्तों इसके बाद रहती है 9th एंड 10th पोजीशन, दोस्तों 9th पोजीशन पे हैं आसाम से जगदीश बुरवा। जगदीश ने, मैं बता दूं, ग्वालियर रैंकिंग टूर्नामेंट में 1st पोजीशन थी इनकी, और लीग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, शायद 1-2 मैच लूज़ किए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, बहुत 100 kg में खेलते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स को भी डिफीट किया इन्होंने। उसके बाद लास्ट 10th पोजीशन, तो लास्ट प्लेयर काफ़ी कन्फ्यूजन रही मैं किसको दूँ, बट मेरी नज़र में जो आए हैं जिनकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से अभी तक जो मैं नोटिस करी है, ये भी आसाम से हैं, कनन। तो कनन जो है नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं लास्ट ईयर के, 100 kg में खेलते हैं, और इनकी परफॉर्मेंस भी लीग में बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स को, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर को हराया है, और लास्ट ईयर गोल्ड मेडलिस्ट थे नेशनल में मथुरा में। दोस्तों यही थी मेरी टॉप 10 आर्म रेसलर्स की लिस्ट, ये थी परफॉर्मेंस बेस्ड। इसके अलावा काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं इंडिया में जिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो दावेदार हैं 3rd, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन पे, जिन मैं डाउटफुल था जिनको लेके, बट उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस की वजह से मैं उनको नहीं डाल पाया, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो शायद कुछ रह गए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ पर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाई किसी वजह से, इंजरीज़ की वजह से, कुछ और वजह से, तो उनको लिस्ट में मैं नहीं डाल पाया, शायद सीज़न 2 के बाद नेक्स्ट ईयर मैं एक बार दोबारा से लिस्ट बनाऊंगा, शायद उनमें उनका नाम होगा। और सभी को डाउट होगा संजय देसवाल ने खुद को लिस्ट में नहीं रखा है, तो मैं बता दूं आपको, मुझे लास्ट 1 या 1.5 साल से मुझे शोल्डर इंजरी थी और गोल्फर्स एल्बो भी थी, तो दोनों इंजरीज मुझे थी, अगर मेरी इंजरीज नहीं होती तो मैं भी लिस्ट में खुद को मैं 3rd-4th नंबर पर जरूर रखता, उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी वीक हुई है पिछले 2 साल में, तो उसकी वजह से मैं अपने आप को इस लिस्ट में नहीं रख रहा हूँ। तो ये जो परफॉर्मेंस वाइज मैंने लिस्ट रेडी करी है ये उन्हीं प्लेयर्स के लिए थी और उनको मैंने इस लिस्ट में रखा है। तो ये थी मेरी टॉप 10 आर्म रेसलर्स की लिस्ट, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ऐसी कुछ और लिस्ट अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कीप मूविंग, keep training, love honestly.